पर एक और बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर्स संजय और अजय चंद्रा के साथ साठगांठ को लेकर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निलंबित करने, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और इस पूरे मामले की विस्तार से जांच कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। भवतोष, बताइए और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले से संबंधित है? श्वेता, देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस ने, जैसे आप कह रहे हैं, एक FIR दर्ज की है। FIR इसमें जो दर्ज की है उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और बाकी सेक्शंस के अंदर इसमें FIR दर्ज हुई है। 35 तिहाड़ जेल के अधिकारियों के ऊपर ये FIR की गई है। पूरा मामला अगस्त का है, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक सील कवर में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चंद्रा बंधु जो है, अजय और संजय चंद्रा जो है, ये तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद साउथ दिल्ली में एक अंडरग्राउंड ऑफिस चला रहे हैं। ये सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने संजय और अजय चंद्रा को मुंबई के जेल तलोजा और ऑथर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया था और ये कहा था कि जो कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं राकेश अस्थाना, इस पूरे मामले की जांच करें। इस पूरे मामले की जांच के दौरान ये पाया गया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी, चाहे वो वार्डन हो, सुपरिंटेंडेंट हो, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो, कुल 32 अधिकारियों के खिलाफ ये पाया गया कि वो संजय और अजय चंद्रा की मदद कर रहे हैं। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज की है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चीटिंग और फोर्जरी के अंदर। इसमें ये कहा जा रहा है कि इन सारे अधिकारियों को समन किया जाएगा और उनके इनके उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा संजय चंद्रा की वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो है प्रीति चंद्रा, उनके फादर जो है रमेश चंद्रा और कई और लोगों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की है। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और ये इनकार नहीं किया कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी भवतोष, आपका शुक्रिया। और ऐसी खबर के साथ यहाँ एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट खबरें।